चलिए बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब पर। कैथोड रे ट्यूब सीआरओ का एक मेन कंपोनेंट होता है, यानी कि मैं ये कहूं कैथोड रे ट्यूब सीआरओ का हर्ट होता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैथोड रे ट्यूब को हम थ्री मेन कंपोनेंट्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, इस कैथोड रे ट्यूब को हम बनाएंगे कैसे, यानी कि कंस्ट्रक्शन पार्ट पर हम बात करेंगे। सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो ये कैथोड रे ट्यूब कैसे वर्क करेगी, यानी कि वर्किंग पार्ट ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब। और जो लास्ट सेक्शन होगा ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट पर कैथोड रे ट्यूब की। कैथोड रे ट्यूब बेसिकली तीन कंपोनेंट से बनी होती है, यानी कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर तीन मेन बेसिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। और जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो यहां तक होता है, जो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक, मींस फिलामेंट से स्टार्ट होकर एक्सेलरेटिंग एनोड तक होता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन गन का नाम देते हैं। यानी कि सीआरटी का जो फर्स्ट मेन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन होगा। और सेकंड जो मेन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक मैंने ये कोई दो प्लेट्स दिखा रखी हैं, इसका मतलब ये कोई प्लेट का सिस्टम होगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम। जो सेकंड कंपोनेंट होगा यानी कि सीआरटी का, वो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम होगा। और जो लास्ट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सीआरटी की स्क्रीन का होगा। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं सीआरटी के। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन की। जो ये इलेक्ट्रॉन गन की है, हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं किन चीजों से बनी पड़ी है, नंबर वन फिलामेंट से, नंबर टू कैथोड से, नंबर थ्री ग्रिड से, नंबर फोर फोकसिंग एनोड से, एंड नंबर फाइव एक्सेलरेटिंग एनोड। यानी कि हमारी जो ये इलेक्ट्रॉन गन है दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन फिलामेंट। अब ये फिलामेंट है तो क्या चीज है, फिलामेंट का मतलब हीटर, यानी कि मैं ये कहूं ये कोई बल्ब है, और बल्ब तब तक स्विच ऑन नहीं होगा जब तक इसका कोई अपना सर्किट नहीं होगा। इसका मतलब फिलामेंट का अपना एक सर्किट होता है, और ये फिलामेंट कनेक्ट होता है लो टेंशन वोल्टेज से, किससे, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है, 6.3 वोल्ट। और ये हम कहां से प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉम द इनपुट सप्लाई से प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कैथोड का होगा। ये कैथोड क्या चीज होती है, कैथोड किसी मेटल का बना होता है, यानी कि मैं ये कहूं ये इस मेटल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में है ऐसे। इसका मतलब कैथोड क्या चीज है, जिसको मैंने के का नाम दे रखा है, कैथोड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल इलेक्ट्रोड। और उसको हमें कहां पर लगाना है, इस फिलामेंट के आगे लगाना है, बिल्कुल इसके आगे लगाना है। जब हमें पता है जब इस कैथोड को हीट अप करते हैं तो उसमें से क्या इमिट आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करते हैं, और उनका इमिट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस मेटल के अंदर वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी तो हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करेगा, अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू मेटल के अंदर ज्यादा होगी तो कम वेलोसिटी का इमिट आउट करेगा, कम वेलोसिटी का इमिट आउट करेगा तो कम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करेगा। और ये कैसे हीटिंग होगी, यहां पर इनडायरेक्ट हीटिंग होगी, डायरेक्ट हीटिंग नहीं होगी। इनडायरेक्ट हीटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फिलामेंट के अंदर फिलामेंट की हेल्प से कैथोड को हीट अप करते हैं। तो
अब ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन गन का, वो क्या है? हमारे पास ग्रिड है। और ये ग्रिड क्या चीज है? ये एक इंटेंसिटी को कंट्रोल करने की डिवाइस है, यानी कि मैं ये कहूं इंटेंसिटी कंट्रोलिंग डिवाइस, या मैं ये कह दूं ब्राइटनेस, या ब्राइटनेस को कंट्रोल करने वाली डिवाइस है। जैसे हम टीवी के अंदर क्या करते हैं, ब्राइटनेस को घटाते बढ़ाते हैं, तो वो कैसे घटाते बढ़ाते हैं आज हम ये सीखने वाले हैं। तो वो कौन घटाता बढ़ाता है ब्राइटनेस की टीवी के अंदर स्क्रीन पर, वो ये कंट्रोलिंग ग्रिड बढ़ाती घटाती है। कैसे घटाती बढ़ाती है वो हमें अब बात करेंगे। इस कंट्रोलिंग डिवाइस को हमने क्या प्रोवाइड करना है, इस कैथोड के कंपैरिजन में नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल हमें देना है, किसको? ग्रिड को देना है। किसके कंपैरिजन में, या मैं ये कह दूं विद रिस्पेक्ट, इस ग्रिड को हमें नेगेटिव पोटेंशियल देना है विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ये हमने पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में हमने इस ग्रिड को क्या दे दिया है, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया है। कितना देना है अभी हम वो वर्किंग में बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो आता है फोकसिंग एनोड का। ये एनोड कैसा है, जैसे मैं बात करूं, हमने जैसे एक रिंग देखा है, जैसे, या मैं कहूं हमने एक चूड़ी देखी है, या मैं ये कह दूं हमने एक छल्ला देखा है, जो जिसको हम हाथ में पहनते हैं, वो बिल्कुल ऐसा छल्ले के फॉर्म में होलो ये इलेक्ट्रोड है। या मैं ये कह दूं आपको समझाने के लिए, बिल्कुल ये ऐसा सर्कल में ऐसा इलेक्ट्रोड है, और ये किसी मेटल का बना हुआ है, और इस मेटल के ऊपर हमने क्या कर दिया है, चारों तरफ मैं, या ये कह दूं रिंग के चारों तरफ हमने क्या कर दिया है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया है। और इस ग्रिड के कंपैरिजन में क्या देना है उस रिंग को, बिल्कुल जैसे ये रिंग, जैसे मैं बोलूं ये रिंग है, ये ऐसा रिंग है, और इस रिंग को हमने कैसे क्या देना है, पॉजिटिव पोटेंशियल देना है, और हर जगह पर कैसा देना है, यूनिफॉर्म देना है, बिल्कुल यूनिफॉर्म देना है जितना दे रखा है। लेकिन इस ग्रिड के कंपैरिजन में हमें इसको क्या देना है, ज्यादा देना है। अगर मैं कहीं भी किसी भी पोजीशन के ऊपर इस इलेक्ट्रोड को, यहां पर अगर सपोज करूं मैंने ज्यादा पोटेंशियल दे दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेलरेट करके चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो इस ग्रिड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ये ऐसा ना हो कि किसी एक एंड के ऊपर जाकर क्या कर जाएं, फिक्स कर जाएं। हमें क्या करना है, बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर उन सबको क्या करना है, फोकस करना है, इनको सबको यहां पर एक्सेलरेट करके इनको कंसंट्रेट कर देना है एक पॉइंट के ऊपर। ये कब पॉसिबल होगा, जब इस इलेक्ट्रोड को मैं चारों तरफ इसके कैसा पोटेंशियल दूं, यूनिफॉर्म दूं, ताकि इलेक्ट्रॉन इधर ना लगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चारों तरफ से कैसा बराबर फोर्स लगे, बराबर फोर्स लगेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक पॉइंट के ऊपर आकर एक्सेलरेट कर जाएंगे, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एकदम से अट्रैक्ट होगा, लेकिन अट्रैक्ट होगा तो उसको चारों तरफ से इक्वल फोर्स मिलेगा, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट के ऊपर जाकर क्या कर जाएगा, कंसंट्रेट कर जाएगा। यानी कि हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या कर दिया, फोकस कर दिया। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, फोकसिंग एनोड का नाम दे दिया। और एनोड क्यों दिया, क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल देना है विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड देना है। अब हमने क्या करना है, जो यहां पर इस रिंग के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक बीम कंसंट्रेट कर रही है, अगर मैं इसको आगे नहीं चलाऊंगा तो ये यहीं पर कंसंट्रेट होके रह जाएगी। तो अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन बीम को आगे एक्सेलरेट करना था, तो हमने क्या किया, एक और इलेक्ट्रोड लिया। अब हमें उसको रिंग की फॉर्म में नहीं लेना है, अब उसको इस फॉर्म में लेना है, सिलेंड्रिकल की फॉर्म में लेना है, सिलेंडर की फॉर्म में लेना है, जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब मैंने यहां पे कुछ ये ऐसे एरो बना रखे हैं, और ये मैंने ऐसे इंक्रीजिंग में बना रखे हैं, ये ऐसे इंक्रीजिंग में बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं, वो इसलिए बना रखे हैं
कि ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड है वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इस एनोड के ऊपर सेंटर पॉइंट के ऊपर फोकस कर रखे हैं उनको आगे खींचना है। और आगे कब खींचेंगे, जब इस एनोड के कंपैरिजन में इस एनोड के ऊपर क्या हो, हायर पॉजिटिव पोटेंशियल हो। तो हमने इसको क्या दे दिया है, हायर पॉजिटिव दे दिया है, इसकी वैल्यू मैंने बैटरी से बढ़ा रखी है। और मैंने क्या दिया है, इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल की इससे ज्यादा है, इस पॉइंट के ऊपर इसके इस पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट से ज्यादा है, इस पॉइंट के ऊपर इससे ज्यादा है। ये ऐसा क्यों किया, इलेक्ट्रॉन को आगे हमें चलाना है, आगे चलाना है तो किससे चलाना है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ होगी, यहां पर और ज्यादा होगी, यहां पर और ज्यादा होगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, यहां पर और ज्यादा वेलोसिटी होगी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब जब इस एक्सेलरेटिंग एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो उसके पास इतनी सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो अपने आप आगे जा सकता है। तो अब यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट। अब इलेक्ट्रॉन गन में से मींस यानी इस एक्सेलरेटिंग एनोड में से बाहर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो एक्सेलरेट होकर निकलेगा, उसके पास सफिशियंट वेलोसिटी होगी, उसके पास सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो किसमें एंटर करेगा, वो इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। और इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम के अंदर मैंने दो प्लेट का सेट दिखा रखा है। इसका मतलब दैट डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए टू सेट्स ऑफ ए प्लेट। एक मेरे पास एक्स एक्स प्लेट का सेट है, एक मेरे पास वाई वाई प्लेट का सेट है। एक्स एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल। मेरे पास एक्स एक्स जो प्लेट का सेट है वो एक्स एक्स प्लेट का सेट, देखो मैं अभी बता रहा हूं, जैसे मेरे पास एक प्लेट तो ये है और दूसरी प्लेट को मैं अपने हाथ से समझा रहा हूं, ये दूसरी प्लेट है और ये कैसे लगा रखी है मैंने, बिल्कुल ये कैसे, ये वर्टिकल ऐसे प्लेन है, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल प्लेन है। इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकल प्लेन के अंदर है। मीन्स जो ये एक्स एक्स प्लेट का सेट है ये कौन से प्लेन के अंदर है, ये वर्टिकल प्लेन के अंदर है। लेकिन ये वर्टिकल प्लेन के अंदर क्यों है, ये इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा तो अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर एक्सेलरेट कर जाएगा, ऐसे। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इधर से इस पे पॉजिटिव होगा तो इधर एक्सेलरेट करके जाएगा, अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव होगा तो ऐसे एक्सेलरेट करके जाएगा। इसका मतलब ऐसे ऐसे ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब इसका जो डिफ्लेक्शन होगा इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन बीम का वो कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। इसका मतलब जो ये एक्स एक्स प्लेट है वो वर्टिकल प्लेन के अंदर है फॉर इलेक्ट्रॉन बीम के हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम अगर मैंने इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बात करूंगा वर्किंग पार्ट के अंदर कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, मैं बात कर रहा हूं अभी अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है इस प्लेट के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन किधर, ऐसे इसमें से जब सेंटर पॉइंट में से निकलेगा तो सेंटर पॉइंट में से जब ऐसे निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पर पॉजिटिव है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इतनी वेलोसिटी से निकलेगा तो वो ऐसे एक्सेलरेट इस पॉइंट के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा। अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर जाकर स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बीम की मूवमेंट कैसे होगी, इस प्लेट के थ्रू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी, हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन बीम का। ऐसे ही जो दूसरी प्लेट है वो कौन सी है, वाई वाई प्लेट का एक सेट है और वो कैसे है, वो ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है और दूसरी प्लेट ऐसे है। इसका मतलब ये कौन से प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल में है, ये तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है मेरे पास, ये कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब वाई वाई जो प्लेट का सेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। अगर इस प्लेट के ऊपर इस प्लेट के कंपेरिजन में, नीचे वाली प्लेट की बात कर रहा हूं, नीचे पॉजिटिव है और जब इसके बीच में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कैसे जाएगा, नीचे ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। अगर ऊपर वाले प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेलरेट कर जाएगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे
अप एंड डाउन ऐसे मूव करेगा इस केस के अंदर, इस किस कहां पर, स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब जो ये मेरे पास जो एक्स एक्स प्लेट है वो कौन से प्लेन के अंदर है मैं बात कर रहा हूं। ये मेरे पास एक्स एक्स प्लेट तो एक्स एक्स तो ये है, ये तो एक्स एक्स प्लेट मैंने दिखा रखा है बिल्कुल ऐसे वर्टिकल प्लेन में है, और वाई वाई प्लेट ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। वाई वाई जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है वो इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्लेक्शन को कैसे मूवमेंट देगी, अप एंड डाउन मूवमेंट देगी। अगर मैं इन दोनों प्लेट के ऊपर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो एक सेंटर पॉइंट के ऊपर जाकर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी स्क्रीन के ऊपर, तो क्या होगा अभी हम बात करेंगे। इसका मतलब हमने डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम को भी स्टडी कर लिया है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए टू सेट्स ऑफ ए प्लेट, नंबर वन इज एक्स एक्स प्लेट एंड नंबर टू इज वाई सेट्स ऑफ ए प्लेट। एक्स एक्स सेट्स ऑफ ए प्लेट कौन से प्लेन के अंदर है, वर्टिकल प्लेन के अंदर है, और ये वर्टिकल प्लेन इलेक्ट्रॉन बीम के मूवमेंट को या इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रॉन बीम को कैसा डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगी, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगी। वाई वाई प्लेट कौन से प्लेन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, और ये इलेक्ट्रॉन बीम को कैसा डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन अप एंड डाउन ऐसे प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं इस स्क्रीन की, ये जो स्क्रीन है ये किस चीज की बनी हुई है, ये एक फ्लोरसेंट मटेरियल की बनी हुई है। इसका जो ये स्क्रीन मैं बात करूं सबसे पहले, इस ट्यूब का जो ये जो वाइडर पार्ट है, इसका मतलब ये जो वाइडर एंड है, और वाइडर एंड का ओनली इनसाइड वाला सरफेस वो किससे कोटेड किया हुआ है, एक फ्लोरसेंट मटेरियल से कोटेड किया हुआ है, और फ्लोरसेंट मटेरियल कौन सा है, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस की एक अपनी प्रॉपर्टी है, जब कोई भी मटेरियल कोई भी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल उस फॉस्फोरस के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा तो क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती है, उस फॉस्फोरस के एटम के फॉस्फोरस के एटम क्या गेन करेंगे, जब हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल फॉस्फोरस के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा तो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपनी एनर्जी फॉस्फोरस के एटम को प्रोवाइड कर देगा। जब फॉस्फोरस के एटम उस एनर्जी को गेन करेंगे तो फॉस्फोरस के कौन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर, और वो 10^-8 सेकेंड तक हायर एनर्जी स्टेट में रहता है, इसके बाद जंप बैक टू द ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आता है और क्या करता है, जितनी एनर्जी को नीचे से ऊपर लेके गया था उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। इसका मतलब जहां पर भी इस स्क्रीन के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो वाला पिक्सल क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और वो क्या कर जाएगा, इसका मतलब हमें सिंटिलेशंस मिलेगा, हमें डिफ्लेक्शन, हमें स्पॉट्स का एक चमकता हुआ स्पॉट मिलेगा इस स्क्रीन के ऊपर, वो किसकी वजह से मिलता है, फॉस्फोरस की वजह से। इसका मतलब हमारा जो स्क्रीन है, इस ट्यूब का जो वाइडर एंड है उसका इनसाइड वाला पार्ट दैट इज टू बी कोटेड विद ए फ्लोरसेंट मटेरियल, और फ्लोरसेंट मटेरियल क्या चीज है, फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस की अपनी एक प्रॉपर्टी है, जब हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल उस मटेरियल के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा तो उस मटेरियल के एटम उस एनर्जी को गेन करेंगे, उस एनर्जी को गेन करने के बाद उस एटम के इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन 10^-8 सेकेंड तक हायर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, इसके बाद ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएंगे तो फोटोन्स को रिलीज कर देंगे, और ये प्रोसेस बहुत ही 10^-8 सेकेंड में हो जाता है जिसको हमारी आंख देख भी नहीं पाती है। इसका मतलब ये जब भी फ्लोर यहां पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो वो वाला पिक्सल क्या कर जाता है, ग्लो कर जाता है, हमें मतलब चमक जाता है, चमक प्रोड्यूस हो जाती है वहां पर, वो उस पिक्सल की, वो एक पॉइंट के फॉर्म में जहां पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा वही वाला पिक्सल हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करें, अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर स्क्रीन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा तो ये यहां पर इकट्ठे भी हो सकते हैं, स्ट्राइक करने लग रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन के ऊपर इस जो इसकी इनसाइड इंटीरियर वॉल्स हैं, ये इंटीरियर वॉल्स हैं, इन इंटीरियर वॉल्स के ऊपर कार्बन पार्टिकल की एक कोटिंग कर दी, और उस कार्बन पार्टिकल की कोटिंग को किस से कनेक्ट कर दिया, इस एक्सेलरेटिंग एनोड से कनेक्ट कर दिया, यानी कि वो यहां से एक्सेलरेट करके आए और यहां पर आ जाएं।
इसका मतलब यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा नहीं होने देना है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन के एक्युमुलेशंस को अवॉइड करवाने के लिए क्या किया, एक कार्बन पार्टिकल्स की कोटिंग कर दी इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्यूब के साथ, ट्यूब के ऊपर, और उस कोटिंग को हमने कनेक्ट कर दिया एक्सेलरेटिंग एनोड के साथ। तो ये हमारा था कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द सीआरटी। अब हम बात करते हैं वर्किंग पार्ट पर। वर्किंग पार्ट के ऊपर बात करने से पहले हमें सर्किट को स्विच ऑन करना होगा, यानी कि हमें इस फिलामेंट के सर्किट को इनपुट सप्लाई से जो कनेक्ट कर रखा है उसको स्विच ऑन करना होगा। जैसे ही हम सर्किट को स्विच ऑन करेंगे फिलामेंट हीट अप होगा, और इस फिलामेंट के जलने से यानी कि एक हीटर का काम करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, और वो उस हीट से कौन हीट अप होगा, कैथोड हीट अप होगा। और कैथोड किस चीज का है, मेटल का है। अब जब ये मेटल को हीट अप करेगा तो इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के इमिट आउट करेंगे, एक वेलोसिटी का इमिट आउट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है, हम इस चीज को स्टडी कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, जब मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करेगा उसका इमिट आउट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस मेटल के वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर कितना वर्क करके बाहर निकल रहा है। अगर कम वर्क करके बाहर निकलेगा तो वो ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा, अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वर्क कर रहा है तो वो कम वेलोसिटी से निकलेगा। इसका मतलब यहां से जब ये फिलामेंट इस कैथोड को हीट अप करेगा तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के, डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये ग्रिड है इस ग्रिड को एक नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर देना है, इसका मतलब हमें इस ग्रिड को एक एनर्जी दे देनी है, और इस एनर्जी किसकी फॉर्म में देनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में दे देनी है। इसका मतलब इस ग्रिड के पास क्या है, एक एनर्जी है, और वो कैसी एनर्जी है, रिपेलिंग एनर्जी है, रिपेल करने वाली एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उनको, इलेक्ट्रॉन को ये ग्रिड क्या करेगी, रिपेल करेगी, और रिपेल करेगी तो हमने इस ग्रिड से ओनली वही इलेक्ट्रॉन पास करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन पास करेगा, जिन इलेक्ट्रॉन के पास इस ग्रिड के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी से ज्यादा, जिन इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी वो इस ग्रिड को पास करके बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इस ग्रिड को कम एनर्जी, कम नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूं तो यहां पर कम एनर्जी होगी ग्रिड के पास, और कम एनर्जी होगी तो यहां पर अगर ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड को क्रॉस करेंगे, और मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन की एक फाइन बीम बनेगी, और मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन की फाइन बीम बनेगी, तो यहां पर जो हमें स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। अगर मैं यहां पर इस ग्रिड के पास कम पोटेंशियल अप्लाई करता हूं तो कम अप्लाई किया है तो क्या कंडीशन आ गई, कम दिया है हमने तो यहां पे मोर एंड मोर, इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन के पास इस ग्रिड की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और तो यहां पर स्ट्राइक करेंगे तो हमें ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। अगर मैं यहां पर इस पोटेंशियल की एनर्जी को बढ़ा दूं, इसका मतलब यहां पर मैंने इस ग्रिड को क्या कर दिया है, ज्यादा पोटेंशियल कर दिया है, और ज्यादा पोटेंशियल कर दिया है तो क्या होगा, अब ग्रिड के पास एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में एनर्जी होती है हमें पता है, और यहां पर अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को यहां पर आने से क्या करेगी, रिपेल करेगी, अगर रिपेल करेगी तो यहां से इस ग्रिड से केवल वही इलेक्ट्रॉन पास करेंगे जिसके पास इस ग्रिड की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी, वो वाले इलेक्ट्रॉन यहां से पास करेंगे तो यहां पर जब वो स्ट्राइक करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो हमें कम ब्राइटनेस मिलेगी। जैसे हम रिमोट से करते हैं, कई ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, कम करते लाते हैं, इसका मतलब कम करते लाते हैं, कम करते लाते हैं तो क्या करते हैं, कम करते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं, पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं तो कम इलेक्ट्रॉन जाकर यहां पर स्ट्राइक करते हैं, तो इसका मतलब ब्राइटनेस कम हो रही है। अगर ब्राइटनेस को मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या करता हूं, यहां पर इसके पोटेंशियल को मैं क्या कर दूं, इसके पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसकी नेगेटिव पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा, कम करूंगा तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहां पर ब्राइटनेस बढ़ेगी।
तो हमने ये देखा जो ये ग्रिड है ये किसको कंट्रोल करती है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है, इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। अगर मेरे को इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो यहां पर ग्रिड को कम नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, अगर घटाना है तो यहां पर मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा दूंगा तो यहां से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम दूंगा तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट करेंगे। अब मेरे को ये देखना है, यहां पे मैंने ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल सेट कर दिया है, सेट करने के बाद उतने ही इलेक्ट्रॉन इस ग्रिड से इमिट करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे? जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो यहाँ कैथोड से इमिट आउट कर रहे हैं उनकी एनर्जी इस ग्रिड के पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी, वो ग्रिड को ओवरकम कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इस एनोड के सेंटर पॉइंट के ऊपर आकर फोकस कर जाएंगे, क्योंकि हमने इस एनोड को इस ग्रिड के कंपैरिजन में क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है और वो चारों तरफ यूनिफॉर्म दे रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट के ऊपर आकर फोकस कर जाएंगे। अब हमें उन इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करना था तो हमने क्या किया, एक और एक्सलरेटिंग एनोड लिया और उसके ऊपर हमने इंक्रीजिंग फॉर्म में पॉजिटिव पोटेंशियल देना है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सलरेट करके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में से एक्सलरेट करेगा और इस एक्सलरेटिंग एनोड से निकलेगा तो उसके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी होगी कि जब वो इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, अगर हमने इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिस्टम के ऊपर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर जाकर स्क्रीन के इंसिडेंट करेगा और सेंटर पॉइंट वाला पिक्सल क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। इसके बाद अगर मैंने इस एक्स वाई वाई प्लेट को पोटेंशियल दिया तो वाई वाई प्लेट को पोटेंशियल दिया, अगर ये देखो यहां पर ये पॉजिटिव है, अगर मेरा ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये प्लेट पॉजिटिव पे ऊपर है, ये पॉजिटिव है तो ये इसके कंपैरिजन में नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ये वाली प्लेट तो रिपेल करेगी और इलेक्ट्रॉन कैसे इसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा और बाहर निकलेगा तो यहां पर जाकर कहीं स्ट्राइक करेगा, ऐसे जाकर स्ट्राइक करेगा। अगर ये वाला पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से कैसे ऐसे स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी, एसी आएगी, तो बात सिग्नल्स की करूंगा मैं, से एसी सिग्नल्स, क्योंकि हमें एसी सिग्नल को ही तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले चेक करना है, वो सीआरओ के अंदर बात करेंगे कैसे डिस्प्ले आएगा। तो हमने सिर्फ इस प्लेट का फंक्शन देखना है, इस प्लेट के ऊपर मैं अगर इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, पोटेंशियल जब अप्लाई करूंगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन बीम के को कैसा मूवमेंट प्रोवाइड करेगी, अप एंड डाउन मूवमेंट करवाएगी, इस अप एंड डाउन ऐसे मूवमेंट करवाएगी। अगर मैं और इस एक्स एक्स प्लेट के ऊपर पोटेंशियल को अप्लाई करूंगा तो ये कैसे मूवमेंट करेगी, अगर यहां पर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इस स्क्रीन को ये ऐसे ऐसे मीन्स लेफ्ट राइट मूव करवाएगी, एक तो लेफ्ट राइट मूव करवाएगी, एक ऐसे अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट में ये वाली मूव करवाएगी एक्स एक्स और ये अप एंड डाउन में मूव करवाएगी वाई वाई प्लेट। तो हमने इसकी वर्किंग को देख लिया है। अगर मेरे को क्या देखना है, जो मैं सिग्नल दे रहा हूं, अगर मैं सिग्नल को विजुअलाइज करना चाहता हूं इस स्क्रीन के ऊपर, यानी कि मैं जो सिग्नल दे रहा हूं उसको स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहा हूं किसकी फॉर्म में, वेव फॉर्म की फॉर्म में, कि वो कैसा वेव फॉर्म बन रहा है। जैसे मैं बात करूं कि मैंने अगर यहां से साइनोसाइडल वोल्टेज दिया, कोई ऐसे साइनोसाइडल सिग्नल दिया और इस सिग्नल को मैं इस स्क्रीन के ऊपर क्या इस वेव फॉर्म की फॉर्म में विजुअलाइज करना चाहता हूं, ये साइनोसाइडल वोल्टेज क्या है अभी हम बात करेंगे। इसका मतलब अगर मैं इस वेव फॉर्म इस सिग्नल की वेव फॉर्म को स्क्रीन के ऊपर देखना चाहता हूं तो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इस हॉरिजॉन्टल प्लेट को वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस एक्स एक्स प्लेट को मेरे को, ये एक्स एक्स जो प्लेट है इसको मेरे को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेरे को वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी और वो वोल्टेज कहाँ से जनरेट होगी, मैं बात करूंगा सीआरओ के अंदर, उस वोल्टेज को जनरेशन कैसा होना चाहिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं। मीन्स जो मैं वाई वाई प्लेट को जो पोटेंशियल दूंगा,
मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अगर जो मैं इनपुट के अंदर जो सिग्नल दे रहा हूं उस सिग्नल को मैं वेवफॉर्म की फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहा हूं तो यहां पर एक नेसेसरी कंडीशन है, वोल्टेज अप्लाई करनी होगी हमें एक्स एक्स प्लेट के ऊपर। और वो कैसी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, वो हमें एक साटूथ वेव के फॉर्म में अप्लाई करनी पड़ेगी। और साटूथ वेव कैसी वोल्टेज, साटूथ का मतलब दांतों की प्रकार की वोल्टेज, दांतों की प्रकार की वोल्टेज। जैसे मैं यहां पर क्या कहूं, मेरे पास ये कोई -2, मैं जैसे -2 वोल्ट बात करूं, ये 0 और ये मेरे पास +2 वोल्ट है। तो यहां पर जो दांतों के प्रकार -2 ऐसे +2, इसके बाद ये डिक्रीज करे बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसे, ये साटूथ वेव ऐसा फॉर्म ऐसे जनरेट होता है, फिर में ऐसे कुछ ऐसा फॉर्म होता है, दांतों का शेप बनता है ये साटूथ। मींस इस ऐसे से ऐसा सिग्नल किसको देना होगा, मेरे को एक्स एक्स प्लेट को देना होगा। ये साटूथ वेव क्या कहती है, देखो वोल्टेज मेरे पास कैसे इंक्रीज करे, लीनियरली इंक्रीज करे, यहां से इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और कहां तक इंक्रीज कर रही है, +2 तक। कहां से इंक्रीज कर रही है, -2 तक। ये इसका मतलब ये क्या बताना चाह रही है, -2 to +2 जीरो से होते हुए, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रही है, हमारे सीआरओ के ऊपर एक ऐसी स्क्रीन होगी और ये स्क्रीन क्या कहती है, ये स्क्रीन ये ऐसे है और ये स्क्रीन, ये तो मेरे पास जैसे ये सीआरओ है तो ये तो वर्टिकल बन गया और ये हॉरिजॉन्टल बन गया, और यहां पर ये बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट ये, जैसे मैं यहाँ पे टू डायमेंशंस के ऊपर समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल ऐसा होगा, ये सेंटर पॉइंट है, यहां पर ये -2, यहां पर इसका मतलब ये पॉइंट ये होना चाहिए, वो ये बिल्कुल मैं हाथ से दिखा रहा हूं, तो ये -2 0 फिर ये +2, ये ऊपर वर्टिकल वाई वाई प्लेट बात करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, तो मैं एक्स एक्स की बात कर रहा हूं। इस एक्स एक्स प्लेट को हमें कैसी वोल्टेज देनी है, साटूथ वेवफॉर्म की फॉर्म वाली वोल्टेज प्रोवाइड करनी है। वो वोल्टेज साटूथ वेव के अंदर क्या कह रही है, वोल्टेज इंक्रीज करेगी लीनियरली फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम तक इंक्रीज करेगी, जितने टाइम तक इंक्रीज करती है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्वीप टाइम, इस टाइम को मैं क्या कहता हूं, स्वीप टाइम। इसके बाद ये वोल्टेज एकदम से क्या करेगी, रैपिडली डिक्रीज करेगी, रैपिडली डिक्रीज करेगी, और कहां पर रैपिडली डिक्रीज करेगी, जितने फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ ए टाइम, जब बहुत जल्दी रैपिडली डिक्रीज करेगी, और उस उसको मैं क्या कहता हूं, रिटर्न टाइम, उसको मैं ये जो डिक्रीज करेगी, इसका मतलब हमारे पास साटूथ के अंदर वोल्टेज इंक्रीज करेगी लीनियरली फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम एंड डिक्रीज रैपिडली फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ ए टाइम। इसका मतलब ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ ए टाइम जैसे ही डिक्रीज करेगी तो क्या कहना चाह रहा है, फिर ये वोल्टेज डिक्रीज करते ही कहां पर आ, यहां से फ्लाई बैक कर यहां पर आ गई है, मीन्स यहां से फ्लाई किया इसने, बैक किया और कहां पर आ गई, ओरिजिन पे आ गई, और फिर क्या किया, फिर लीनियरली इंक्रीज हुई और फिर क्या कर गई, रैपिडली एकदम से डिक्रीज हुई, फिर यहां पर आ गई, इस वो प्रोसेस ऐसे ही तो चलेगा, फिर डिक्रीज हुई, फिर ऐसे आगे चलता रहेगा। इसका मतलब ये ऐसे वोल्टेज को कौन जनरेट करेगा, ये कौन सी वोल्टेज है, हॉरिजॉन्टल बेस वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल बेस टाइम वोल्टेज है, और इसको कौन जनरेट करेगा, एक स्वीप जनरेटर जनरेट करेगा, जिसको मैं सीआरओ में बात करूंगा, मैं सिर्फ यहां पर क्या बात कर रहा हूं, अगर हमें जो सिग्नल दे रहे हैं उस सिग्नल की वेवफॉर्म को अगर चेक करना है स्क्रीन के ऊपर, तो हमें इस हॉरिजॉन्टल प्लेट को, एक्स एक्स प्लेट को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो वोल्टेज किसकी फॉर्म में हो, साटूथ की फॉर्म में हो, और उस साटूथ वेवफॉर्म को जनरेट कौन करेगा, हॉरिजॉन्टल बेस टाइम जनरेटर जनरेट करेगा, उसको हम स्वीप जनरेटर भी बोलते हैं, वो जनरेट करेगा। ये क्या कहना चाह रहा है, वोल्टेज इंक्रीज करेगी लीनियरली फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ ए टाइम, इसके बाद वोल्टेज क्या होगी, एकदम से सडनली रैपिडली डिक्रीज करेगी फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ ए टाइम, आफ्टर दैट क्या होगा, फ्लाई बैक टू द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर आएगी और फिर क्या करेगी,
प्रोसेस को रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब कैसे वर्किंग करेगा, ये साटूथ वेव क्या कहती है, सिग्नल यहां माइनस टू यहां पर आएगा, यहां से चलेगा यहां सेंटर, यहां से सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर आया, सेंटर से फिर कहां पर चला, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पे चला, फिर यहां से एकदम यहां से आएगा और क्या करेगा, रिपीट करेगा प्रोसेस को अगेन, मीन्स ओरिजिन के ऊपर फिर आएगा और ओरिजिन के ऊपर आकर फिर प्रोसेस को रिपीट करेगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जो मूवमेंट है किसके, जो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा स्क्रीन के ऊपर तो हमारे पास पोर्ट का मूवमेंट होगा। इसका मतलब इस टाइम बेस वोल्टेज की एक्शन के अंडर ये स्पोर्ट का जो मूवमेंट होगा वो स्पोर्ट का मूवमेंट कैसा होगा, वो स्पोर्ट में स्पोर्ट का जो मूवमेंट होगा वो यहां से ये स्पोर्ट क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेगा, और ऐसा नहीं कि वो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम वेलोसिटी से डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं, वो किस रेट से डिफ्लेक्ट करेगा, यूनिफॉर्म रेट से डिफ्लेक्ट करेगा, और डिफ्लेक्ट करते हुए सेंटर पॉइंट के ऊपर आएगा, सेंटर पॉइंट के ऊपर आकर यहां पर ये प्लस पॉजिटिव टू वोल्ट के ऊपर आएगा, फिर किसको फ्लाई बैक टू बैक वापिस आ जाएगा, सर वापिस आने के बाद क्या करेगा, यहां से ये फिर अपने प्रोसेस को रिपीट करेगा। इसका मतलब हम तो अपनी आंख से देख रहे हैं इस स्पोर्ट की जो वेलो मूवमेंट की जो वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो हमारी आंख की देखने की पावर है उससे बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं आपके आंखों के सामने अगर इस उंगली को ऐसे ऐसे मूव करूं तो आप इसका मूवमेंट इजीली देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको बहुत तेज ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दूं तो आप इसकी मूवमेंट को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब इस स्पोर्ट स्पोर्ट की जो मूवमेंट है इस स्क्रीन के ऊपर इतनी तेज होगी कि हमारी आंखें उसको विजुअलाइज नहीं कर पाती। इसका मतलब जो फिगर हमें इस स्क्रीन के ऊपर बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, स्पोर्ट के मूवमेंट की वजह से बनेगी, तो स्पोर्ट की मूवमेंट तो हम देख नहीं पाएंगे, तो हमें वो फिगर कैसी नजर आएगी, सॉलिड लाइन की फॉर्म में नजर आएगी, बिल्कुल ऐसे सॉलिड लाइन की फॉर्म में नजर आएगी, और लेकिन इसमें स्पोर्ट ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। इसका मतलब हमें इस स्पोर्ट की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से हम इस स्पोर्ट के मूवमेंट को हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं, तो क्या होता है स्क्रीन के ऊपर उस फिगर की जो उस जो सिग्नल है उस सिग्नल की जो फिगर है वो हमें किसके फॉर्म में नजर आती है, सॉलिड लाइन की फॉर्म में नजर आती है। तो किसकी सॉलिड लाइन की, ये एक वेरिंग फिनोमिना है। जब ये वेरिंग फिनोमिना किस कितनी एक सेकंड में अगर 20 बार वेरी कर रहा है तो हम उसको नहीं देख पाते, कहने की बात ये है। इसका मतलब एक सेकंड में 20 बार या 20 से ज्यादा अगर ये वेरी कर रहा है तो उसके वेरिएशन को हमारी आंखें देख नहीं पाती, हमें किसके फॉर्म में नजर आता है, वो सॉलिड फिगर के फॉर्म में नजर आता है। तो ये हमारा था इसका वर्किंग पार्ट सीआरटी का। अब मैं बात करता हूं इसके प्रिंसिपल पार्ट के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सीआरटी, अगर ये लिखना है तो हमने इसके अंदर क्या देखा है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या देखा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और वो डिफ्लेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम कहां पर जाकर स्ट्राइक करती है, फ्लोरसेंट स्क्रीन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करती है, तो वहां पर हमें क्या स्क्रीन के ऊपर क्या मिलता है, सिंटिलेशन मिलता है, एक चमकती हुई कोई फिगर दिखाई देती है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखेंगे, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन द फ्लोरसेंट स्क्रीन दे कैन प्रोड्यूस सिंटिलेशन। चलो मैं लिख देता हूं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल व्हेन फास्ट
मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन फॉल्स ऑन ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन they can produce scintillation. Scintillations. तो ये कैथोड रे ट्यूब का प्रिंसिपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सीआरओ के अंदर मैं कैथोड रे ट्यूब को सेपरेट में डिस्कस करके नहीं बताऊंगा, तो मैं वहां पर कहूंगा कि हम कैथोड रे ट्यूब को डिस्कस कर चुके हैं. तो पहले कैथोड रे ट्यूब को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तभी हमें सीआरओ समझ में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो मैं वहां पर इस कैथोड रे ट्यूब को डिस्कस नहीं करूंगा. ये था कैथोड रे ट्यूब के ऊपर आर्टिकल. तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आपको अच्छा लगे तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनती है, शेयर जरूर बनती है. थैंक यू.